ये इंडियन जुगाड़ होते हैं, पेपर हम दोबारा यूज करते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हो आप सभी? हम आज बहुत खुश हैं क्योंकि आज है 19 फरवरी, और 19 फरवरी में है हमारी शादी की सालगिरह। और आज हमारे हस्बैंड जी घर पर ही हैं, हमारे लिए चाय बनाई है। मैंने पहनी है साड़ी। मैं ये मैं हूं, ये मेरे हस्बैंड हैं, और ये हम चाय पी रहे हैं, और पारी हो रही है। लगा हेलो बोल दो। हेलो हेलो बोल दो। हेलो हेलो आज बारिश पड़ेगी जरूर। आज तो बारिश होने वाली है क्योंकि हेलो बोला है हमारे हस्बैंड ने वीडियो पे। वो लड़की पागल पागल है, पागल है, बता रही है मनुश्री मुझे। मैं पागल, मेरा बेटा क्या गिफ्ट दे रहा है मुझे आज? वही कितना सुंदर कार्ड बनाया मनुश्री ने। लो भाई सब देखो, सब देखो। अरे वाह, ओहो, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। मेरे बेटे ने कितना सुंदर कार्ड बनाया मम्मा पापा के लिए। क्या मैंने क्या किसी लिखा की है? हेल्प नहीं ली, कुछ नहीं ली। हाँ मॉम मॉम मॉम, डैड डैड डैड, हैप्पी पढ़ो। एनिवर्सरी मॉम डैड द हैप्पी मॉम डैड द कार्ड। कार्ड, ओए कितना प्यारा कार्ड है भाई। और देखो ये टेप से चिपका रखा ये है कितना मैंने, प्यारा बच्चा है मेरा, देखो कितना सुंदर पंख कार्ड भी बनाया है। है, पंख भी बनाए हैं, डिजाइन देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये मेरा सोना बाबू, थैंक यू वेरी मच। मेरा बेटा राजा रे, मेरा सोना सा बाबू रे, मैं छोटा सा गुड्डा बहुत रे। सारा केक खाऊंगी, इतना सारा इतना सारा खाऊंगी। केक खाओगे? मैं नहीं लाया कुछ भी। ये मैं नहीं दे रहा कुछ इसका, भी ये पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। तैयार ये लो, तुम तो है क्या इसमें? देख लो और लाओ। आरे दे रहा है गिफ्ट। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मन को खोलेगी हम खोल लेंगे आराम से। पेपर में फाड़ना, ये इंडियन जुगाड़ होते हैं, पेपर हम दोबारा यूज करते हैं। पहले तो उतार लो ऊपर का ताम झाम। बड़ा टेप लगाया था उसने। बालों की चोटी है। मम्मी के बालों की चोटी, पापा की नहीं। और के बाल वैसे बहुत बड़े। फाड़ दी पन्नी। चूड़ी। चूड़ी बैंगल सेट है? हाँ। मेरे में चूड़ी पापा है। पापा पहनने हैं। कभी ना खुलने का। ये मैंने पैक करवाया। ओह नो। कवर, और ये कवर ऐसा है ये दोनों फोनों पे लग जाएगा। अरे टेडी छुप के देखो, छूने के ही तो पैसे हैं इसके। ये वाले छुप के देखो, इसके छूने के ही पैसे हैं। कितने क्यूट है। ये मनु है और ये आर्यन। वाइट मनु है क्या? एक बार ये पकड़ो, एक पकड़ो बस, एक फोटो। देखो ये आर्यन मनु है। मई जून में तो बहुत खरबूजे खाए होंगे, लेकिन फरवरी में खरबूजा खाने का एक अलग ही स्वाद होगा ना। इसको मैं काटती हूँ और खाने के बाद रिएक्शन दिखाती हूँ आप सबको कि ये कितना मीठा है। खरबूजा कट रहा है, जल्दी से आ जाओ, बाद में नहीं बचेगा। केक की जगह खरबूजा कट रहा है। जल्दी से आ जाओ वरना बाद में नहीं बचेगा। देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है। लो लो, कैसा? बहुत मीठा है भाई। बिना बात के मत खाओ, वीडियो की वजह से। बिल्कुल मीठा, ऐसे ही बताओ। सहे चीनी मीठा। एक खरबूजा आया उसी का पोस्टमार्टम कर रखा। एक खरबूजा आया उसी का पोस्टमार्टम कर रखा। मनो है।
ये सच में मीठा है भाई। कैसा है बताइए? मीठा है। मीठा है? हाँ भाई, आ गई। लीजिए, आप भी, आप सब भी मुंह मीठा कर लीजिए एनिवर्सरी पर मिठाई के साथ। मैंने कटोरी में भी निकाल ली है क्योंकि मेहमान भी आए हुए हैं घर पर, उनकी चाय की तैयारी कर रही हूँ मैं। और केक नहीं है, मिठाई खा लीजिए आप भी। ये वाली, ये केक के जैसी ही होती है वैसे। केक काटा था तो खरबूजा, खरबूजा काटा था केक की जगह, और पहले खरबूजे से मुंह मीठा किया है, अब मिठाई से कर लीजिए। मनुश्री और मैं हैं बस। आर्यन गया हुआ है ट्यूशन और मनुश्री मैं घर पर हैं, वो भी चले गए हैं आज। वो बहुत टाइम निकाल के आए थे घर पे और उन्होंने आप सबको हाय हेलो बोला, लेकिन मेरी तरफ से हाय हेलो अब स्टार्ट होता है। हेलो आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज हम बहुत ही मस्त हैं, खुश हैं, बहुत खुश हैं। आप सबने बहुत सारी विशेष, ये फिल्मी दुनिया नहीं है बेटा। आज हमने ना बहुत घर को सजा दिया मैंने तो आज साड़ी पहनी हुई है। आप सभी ने कुछ नहीं किया अभी तक, देखो ना मैंने साड़ी पहनी कुछ नहीं घर को थोड़ा सा हल्की हल्की ठंड है इसलिए मैंने स्वेटर पहन लिया है ऊपर से साड़ी के ऊपर, लेकिन स्वेटर नहीं अच्छा लगता, वैसे ही अच्छा लगता है। आपसे थोड़ी सी बात करूंगी और आप सबके साथ में अपनी ये बात, ये तो दिखा दिया बेटे, कार्ड तो दिखा दिया है ना अभी। मनुश्री ने कार्ड बनाया मम्मी पापा के लिए, मैं हवा करने के लिए घर में। तो फिर बहुत थोड़ी सी बात करूंगी, बहुत ठंड लग रही है मुझे, बहुत गर्मी लग रही है। शादी के दिन की मैंने देखो चूड़ियां भी पहनी हुई है, हाथ भर भर के, हाथ भर भर के। साड़ी के ऊपर चूड़ी ना पहनो तो फिर क्या बात रही है ना, चूड़ी अच्छी लगती है ना। एक बार सूट पर या किसी और ड्रेस पर नहीं पहनो, आप कड़े पहन लो तो अच्छा लगता है, लेकिन चूड़ियां तो अच्छी लगती है ना साड़ी के ऊपर। ऐसे ऐसे करके दुल्हन फोटो खिंचाती है ना ऐसे करके, मेरी ज्यादा फोटो नहीं है, बहुत कम फोटो है, कुछ शेयर करूंगी आपके साथ में अगर लग पाई तो। यहाँ और यहाँ दोनों साइड में लगानी है और वीडियो भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना है। मेरे शादी वाले जो संस्कार हुए थे वो बहुत अच्छे हुए थे, जितने भी बाराती गए हुए थे ना सबने बहुत ही अच्छा माना उन संस्कारों को। कह रहा हमें तो आज पता चला है कि वाकई में शादियां क्यों होती हैं, बहुत अच्छे संस्कार थे सबने। जो वहां पर वो आए हुए थे पंडित जी, शांति कुंज हरिद्वार से आए हुए थे, वो टोली आई थी पूरी, तो उन्होंने मेरे संस्कारों में जो वहां पर बताया कि जयमाला क्यों होती है, फेरे क्यों होते हैं या फिर कन्यादान क्यों होता है, ये सब बातें जो है ना आज की डेट में उस तरह से नहीं बता पाते हैं। जो भी ब्राह्मण शादी कराते हैं, जो भी पुरोहित कराते हैं शादी, वो उस तरह से खुल के नहीं बता पाते हैं, लेकिन मेरी शादी में पूरी डिटेल में बताई गई थी ये सारी बातें कि इस तरह से होता है, वो कभी डिटेल में बताऊंगी आपके साथ। आज वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि वीडियो वैसे शादी वाली भी ऐड करनी है और हम बहुत खुश हैं। अब देखते हैं, वैसे ये फिल्मी दुनिया तो है नहीं देखो, है ना, ये तो रियल लाइफ है। सुबह से दोपहर तक शाम तक काम किया है, फिर जाके खुद को तैयार किया है कि भाई आज तो चूड़ी वूड़ी पहन के अच्छे से तैयार होना है, पायल वायल पहन के अच्छे से तैयार होना है ना। मम्मा अच्छी लग रही है, ये रियल लाइफ है, ये इसमें ऐसे ही होता है। खाना भी खुद बनाना है, कपड़े भी खुद धुलने हैं, चाहे शादी की सालगिरह हो, चाहे करवा चौथ हो या कोई भी हो, और खुद को भी थोड़ा सा ध्यान दे आना है। आप सबके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए और काम भी साथ साथ होता रहता है, मेरे लिए काफी समय है। मेरे हस्बैंड काफी सपोर्टिव हैं, उनकी सबसे बड़ी अच्छाई ये है मेरी लाइफ में कि वो बहुत सपोर्टिव हैं। अगर मैं कोई भी अच्छा काम करना चाहूँ तो वो मेरा फुल सपोर्ट करते हैं उस चीज़ में। हाँ उन्हें बनावट दिखावट बिल्कुल पसंद नहीं है, सिंपल सोवर है बिल्कुल, और ज़्यादा उसमें विश्वास नहीं रखते हैं कि फिल्मी दुनिया में अगर केक कटता है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं, केक कट चुका है परसों, वहाँ पर रुद्रपुर में सेलिब्रेट हो चुका है। कहीं जाएंगे और वहाँ पर अगर शूट किया तो आपको दिखाएंगे, नहीं किया तो कोई बात नहीं है, है ना, वहाँ से कोई भी जाने का रास्ता नहीं है। आपकी ब्लेसिंग मिली है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये हर समय मुंह बनाती रहती है पीछे से, इसी पर ध्यान चला जाता है मेरा बार बार, आपसे कॉन्टेक्ट टूट जाता है, आई एम सॉरी। और अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो, कुछ फोटोज भी आज हमने क्लिक किए हैं मेरे हस्बैंड जी के साथ में, मनुश्री के साथ में, आर्यन के साथ में, वो फोटो भी हम लगाएंगे, तो अगर आपको वीडियो फोटोज और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो देखिए ऐसा तो है नहीं है कि बस केक काटना है और घर को सजाना है जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, वो वाली एनिवर्सरी नहीं है हमारी। लाइक अब तो 15 साल हो गए, कोई नई नवेले दुल्हन ही दूल्हे थोड़ी ना बने रहेंगे, है कि नहीं। लेकिन इसको चाहिए नहीं, बदतमीजी नहीं। ओके तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो नए हैं चैनल पर, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली जो भी वीडियो डले वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ओके हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे।
कमेंट सबसे जरूरी है कमेंट जी, स्पेशली मैं आपके कमेंट का बहुत इंतजार करूंगी, पता चलता है ना किसने हमारी वीडियो देख ली जी। और आज तो हमारे हस्बैंड जी ने भी आपको सबको हेलो बोला है, तो प्लीज एक कमेंट करना तो बनता है ना। हम दोनों पति पत्नी के एनिवर्सरी के लिए प्लीज कमेंट कीजिएगा जो भी वीडियो देख रहे हैं। तो अब हम करते हैं वीडियो को एंड, और हो सकता है लास्ट में नहीं चाहिए फोन, फोन 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 करते रहते हो, बिल्कुल फोन नहीं चाहिए, बहुत आदत गंदी हो गई है, मैं बिल्कुल फोन नहीं देती हूँ इसके हाथ में। पूरी छुट्टियां हो गई, लॉकडाउन हो गया है, बच्चों के हाथ से फोन ही नहीं जाता है, मम्मियों का फोन तो बच्चों के ही हवाले रहता है। लेकिन अब मैं बहुत कड़क हो गई हूँ, अब पढ़ाई पे ध्यान दो, बहुत दिनों बाद स्कूल खुले हैं, पहले भी हम काफी घूम फिर लिए हैं, ऐसा नहीं है कि हमें आज ही घूमने जाना है, कभी भी चले जाते हैं। देखिए परिवार है इसमें, ये नहीं है कि बच्चों की तरह नहीं मुझे आज ही जाना है बाहर, आज ही घूमने जाना है, आज ही केक काटना है, आज ही खाना खाने जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा कहना है परिपक्वता आ जाती है एज के साथ साथ, उम्र के साथ साथ पक्कापन आ जाता है, वही मुझ पे भी आ चुका है अब। ऐसा कुछ नहीं है कि हम रोने गाने लगे कि हाँ नहीं हमें तो आज ही ये चाहिए, हमें आज ये चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। फिर किसी दिन चले जाएंगे घूमने, फिर किसी दिन खाएंगे खाना जाके बाहर, लंबा होने जा रहा है। ले हो तुम हमको जी, ओके बाय बाय, जय हिंद जय हिंद।